नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आजकल आप बहुत ज़्यादा चर्चा सुन रहे होंगे 35A के बारे में। आखिर धारा 35A क्या है और क्या कहता है ये धारा 35A और इसके बारे में क्या जानकारियां हैं, जम्मू कश्मीर में इसका क्या महत्व है, इसके बारे में विस्तार से बताऊँगा। भले ही आपकी रुचि ना हो, लेकिन अगर आपने वीडियो खोल लिया है तो ज़रूर इसको शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि आप अगर अपने देश से प्यार करते हैं तो 35A के बारे में आपको जानकारी जरूर होना चाहिए। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। पूर्व IAS अधिकारी और जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के अध्यक्ष शाह फैसल ने शनिवार को जम्मू कश्मीर में अतिरिक्त केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती पर चिंता जताई और कहा कि इस बात की अफवाह है कि घाटी में कुछ बड़ा भयानक होने वाला है। इसके बाद अटकलें शुरू हो गई कि क्या केंद्र सरकार 35A को खत्म करने जा रही है। इस पर सियासत भी शुरू हो गई। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि 35A के साथ छेड़छाड़ बारूद को हाथ लगाने के बराबर है। उमर अब्दुल्ला समेत तमाम कश्मीरी नेताओं ने 35A के साथ किसी भी छेड़छाड़ से बचने की सलाह दी। यहां यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर क्या है 35A, देश भर में इसे हटाने के लिए आवाज क्यों उठ रही है। अगर ये हटता है तो इससे कश्मीरी नेताओं को आपत्ति क्यों है, कैसे बना चर्चा का विषय। दरअसल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, हालांकि इस पर फैसला अभी आया नहीं है। अनुच्छेद 35A के खिलाफ 5 साल पहले वर्ष 2014 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी। तब से ये मामला देश में बहस और कश्मीर में विरोध का केंद्र बना हुआ है। ऐसे में ये समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर कश्मीर से जुड़ा संविधान का अनुच्छेद 35A क्या है और इसे कश्मीर में अलगाववाद की जड़ बताया जा रहा है। मूल संविधान का हिस्सा नहीं था ये अनुच्छेद। 35A को आजादी के 7 साल बाद यानी 1954 में संविधान में जोड़ा गया था। यह अनुच्छेद नेहरू कैबिनेट की सिफारिश पर तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद के एक आदेश से संविधान में जोड़ा गया था। इसका आधार है 1952 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और जम्मू कश्मीर के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला के बीच हुआ दिल्ली एग्रीमेंट, जिसमें भारतीय नागरिकता के मामले को जम्मू कश्मीर के संदर्भ में राज्य का विषय माना गया। क्या विशेष अधिकार देता है यह अनुच्छेद 35A? संविधान का वो अनुच्छेद है जिसके तहत कश्मीर के अस्थायी निवासियों के लिए नियम तय हुए हैं। इस अनुच्छेद के तहत कश्मीर के अस्थायी निवासियों को विशेष अधिकार और सुविधाएँ दी गई हैं, जो कि नौकरियों, संपत्ति की खरीद, विरासत, स्कॉलरशिप, सरकारी मदद और कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी सुविधाओं से संबंधित है। राष्ट्रपति का ये आदेश संविधान के अनुच्छेद 370(1)(d) के तहत जारी किया गया था। ये प्रावधान राष्ट्रपति को जम्मू कश्मीर के मामले में राज्य के विषय पर संविधान में आवश्यकता पड़ने पर बदलाव और छूट देने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 35A से जुड़ी खास बात यह है कि इसे बनाते समय संसदीय प्रणाली से कानून बनाने की प्रक्रिया की जगह राष्ट्रपति के आदेश के जरिए इसे संविधान में जोड़ा गया, जबकि संविधान का अनुच्छेद 368(1) संविधान में किसी भी संशोधन का अधिकार सिर्फ संसद को देता है। 1961 में ये मामला अदालत के सामने आया था कि क्या राष्ट्रपति 370 के तहत संसद को बाईपास करके संविधान संशोधन का अधिकार रखते हैं। हालांकि अदालत के फैसले में इस बात का तब तक जवाब नहीं मिला था। इन तर्कों के आधार पर दी गई कोर्ट में चुनौती। 2014 में सुप्रीम कोर्ट में एक NGO ने याचिका दायर कर इस अनुच्छेद को एक भारत की भावना के खिलाफ और अलगाववाद को बढ़ावा देने वाला प्रावधान बताया। इस याचिका में अनुच्छेद 35A और 370 की वैधानिकता को चुनौती दी गई थी। इस याचिका में तर्क दिया गया कि आज़ादी के बाद देश का संविधान बनाने के लिए जो संविधान सभा बनी थी उसमें जम्मू कश्मीर के 4 प्रतिनिधि भी शामिल थे। साथ ही जम्मू कश्मीर राज्य को कभी भी स्पेशल स्टेटस नहीं दिया गया। ये भी तर्क दिया गया कि 35A एक अस्थायी उपबंध था जिसे राज्य में हालात को उस समय स्थिर करने के लिए जोड़ा गया था। इस अनुच्छेद को संविधान के निर्माताओं ने नहीं बनाया। अलगाववाद को बढ़ावा देने का क्यों लगता है आरोप। याचिका में यह भी कहा गया कि ये अनुच्छेद नागरिकों के बीच भेद उत्पन्न करता है और भारत की सोच को कमजोर करता है। यह अनुच्छेद बाकी राज्यों के लोगों को जम्मू कश्मीर में नौकरी हासिल करने, संपत्ति खरीदने से रोकता है, जो कि संविधान में दिए गए मूल अधिकारों का उल्लंघन है। देश के हर नागरिक को संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 में मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। इसी के तहत
एक अन्य याचिका में जम्मू कश्मीर की महिलाओं को बाहरी शख्स से शादी करने पर उनके बच्चों को नागरिकता मिलने के प्रावधान को भी चुनौती दी गई है। इस कानून के प्रावधानों को कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने वाला बताते हुए खारिज करने की मांग की गई है। दरअसल कश्मीर में सियासी दलों में इसे खत्म करने की आशंकाओं को देखते हुए उबाल इसी का नतीजा है, क्योंकि इससे अलगाववाद पर रोक लगेगी और स्थानीय दलों के वोट बैंक पर भी चोट पड़ेगी। आखिर क्या है प्रावधान अनुच्छेद 335A में? अनुच्छेद 35A से जम्मू कश्मीर राज्य के लिए अस्थायी नागरिकता के नियम और नागरिकों के अधिकार तय होते हैं। जम्मू कश्मीर उन लोगों को अस्थायी निवासी मानती है जो 14 मई 1954 के पहले कश्मीर में बस गए थे। ऐसे अस्थायी निवासियों को राज्य में जमीन खरीदने, रोजगार हासिल करने और सरकारी योजनाओं में लाभ के लिए अधिकार मिले हैं। किसी दूसरे राज्य का निवासी जम्मू कश्मीर में जाकर अस्थायी निवासी के तौर पर नहीं बस सकता। किसी दूसरे राज्य के निवासी ना तो कश्मीर में जमीन खरीद सकते हैं, ना राज्य सरकार उन्हें नौकरी दे सकती है। अगर जम्मू कश्मीर की कोई महिला भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से शादी कर ले तो उसके अधिकार छीन जाते हैं। हालांकि पुरुषों के मामले में ये नियम अलग है। उदाहरण के लिए जम्मू कश्मीर के पूर्व CM उमर अब्दुल्ला की बहन सारा अब्दुल्ला राज्य के बाहर के व्यक्ति से विवाह करने के बाद संपत्ति के अधिकार से वंचित कर दी गई थी, जबकि उमर अब्दुल्ला की शादी भी राज्य से बाहर के महिला से हुई, लेकिन उनके बच्चों को राज्य के सारे अधिकार हासिल है। याचिका में इस तरह के भेदभावपूर्ण नियम को खत्म करने, पूरे देश में एक जैसे कानून लागू करने की मांग की गई थी। अब 35A को खत्म करने की अटकलों के बीच देश में एक राष्ट्र एक कानून की मांग फिर से तेज होने लगी है। तो दोस्तों, आपने देखा कि 35A क्या है और इस 35A में आखिर क्यों लोग इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं, क्योंकि बात ऐसी है कि देश से जुड़ा हुआ विषय है और सभी लोग चाहते हैं कि देश का अभिन्न अंग जम्मू कश्मीर वो हमारा हिस्सा है और वहाँ भी हमें जाने का अधिकार हो, वहाँ बसने का अधिकार हो, वहाँ जमीन खरीदने का अधिकार हो, वहाँ व्यापार करने का अधिकार हो, वहाँ नौकरी करने का अधिकार हो। यह सारे अधिकार भारत के लोगों को भी मिलना चाहिए और इसी के लिए लड़ाई हो रही है और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इसमें न्याय की जीत होगी और भेदभावपूर्ण कानून खत्म होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।